Hi guys, this is Amit Borkar and most welcome on my YouTube channel Amit Biology. तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज टॉपिक इज बायो टेक्नोलॉजी. ओके, बायोटेक्नोलॉजी. सो बायोटेक्नोलॉजी दैट मीन्स इट इज अ टोटली इंटरैक्शंस बिटवीन द बायोलॉजिकल साइंस एंड द टेक्नोलॉजी. सो दिस बायोटेक्नोलॉजी टर्म्स इज यूज बाय बायोटेक्नोलॉजी दिस टर्म्स यूज बाय कार Iriki in 1990. Okay, so this was maybe your multiple choice questions. ये आपका multiple choice questions हो सकता है कि biotechnology terms किसने use किया है. Okay, so now we are going to definitions of the biotechnology. Biotechnology का definitions क्या होगा ये अभी हम देखने जा रहे हैं. So biotechnology there is a many or बहुत सारी ऐसी बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस बनाई गई है. मैं एक सिंपल सा डेफिनेशंस आपको यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ. वो डेफिनेशंस आप वो भी कर सकते हो या फिर यू कैन यूज एनी सोर्स. आपको बाहर से आप या फिर आपके टेक्स्ट बुक से भी जितने भी डेफिनेशन मिलते हैं उसमें से एक हाथ डेफिनेशंस आप यूज कर सकते हो. सो उसका डेफिनेशंस अगर हम देखने के लिए जाते हैं तो इट इज द सो दिस डेफिनेशन इज इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइज. मैं यहां पे डेफिनेशन लिख रहा हूं. इट इज टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइज. क्या यूटिलाइज होता है? बायोलॉजिकल सिस्टम ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ दिस टू क्रिएट और डेवलप. कुछ क्रिएट करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए टू डेवलप और क्रिएट क्रिएट क्या क्रिएट करने के लिए अ प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट बनाने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट विच इज यूजफुल फॉर मैनकाइंड. ओके, सो आप एक बार डेफिनेशंस है, आप एक बार डेफिनेशंस रीड कर सकते हो. क्या है? इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइज द बायोलॉजिकल सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर पार्ट ऑफ दिस टू डेवलप और क्रिएट द डिफरेंट प्रोडक्ट विच इज यूजफुल फॉर द मैनकाइंड. मतलब हम कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिर बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस का यूज करके बायोलॉजिकल सिस्टम का यूज करके
लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके या फिर उसके जो कुछ भी प्रोडक्ट्स सॉरी उसके पार्ट्स हैं, जैसे हम एंजाइम्स का यूज करके हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो प्रोडक्ट्स हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, यूजफुल है, हमारा जो कुछ भी लाइफस्टाइल है उसको डेवलप करने के लिए। सो दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी। सो आपको इफ यू आर गेटिंग द एनी अदर डेफिनेशंस फ्रॉम अदर सोर्सेस देन यू कैन यूज दैट आल्सो। ओके, सो एक सिंपल सा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सो इस बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशंस के अगर जाते तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, अगर हम शुरुआत के दिनों से अगर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इफ सपोज वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स, देन सिंपल से एग्जांपल वेल नोन आर वेल फैमिलियर एग्जांपल्स दैट मेकिंग अप कर्ड। आपको मक्खन कैसे बनाते हैं वो आपको पता है, ठीक है। सो मक्खन जब बनता है तो वो कौन सी प्रोसीजर वहां पे यूज होती है ये भी आप लोगों को पता है। सो मक्खन बनाते वक्त जो कुछ भी प्रोसीजर यूज हो रहा है, जहां भी वो हम एक मिल्क लेते हैं, मिल्क में हम मक्खन डाल देते हैं, सो दैट कर्ड कंटेन्स द बैक्टीरिया। सो हमने पहले कहा है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, अब वही बैक्टीरिया उस दूध को क्या करेंगे, कर्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। सो ये प्रोसेस आपको पता है, तो उसमें जो कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जो कुछ भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है वो यूज हो रहा है, और उस बैक्टीरिया का यूज करके हम क्या बना रहे हैं, कर्ड बना रहे हैं। सो दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी। बट ये बायोटेक्नोलॉजी जो है ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है, मतलब ये सभी जैसे घी बनाना हो या फिर मेकिंग अप इडली डोसा, ये सभी चीज़ें आपको, ये सभी एग्जाम्पल आपको वेल नोन है। सो अकॉर्डिंग टू दैट बायोटेक्नोलॉजी एक ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी था है और एक होता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो हम एक ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के लिए हम लिख लेते हैं, दिस बायोटेक्नोलॉजीज ट्रेडिशनल ओके या फिर वो मॉडर्न भी हो सकती है। सो ट्रेडिशनल में क्या है, इट इज द ओल्ड प्रोसेस, ऑब्वियसली नो डाउट इट इज द ओल्ड वन, एंड प्राइमरली इट इज बेस ऑन द फर्मेंटेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं लिख लेता हूं कि दिस इज प्राइमरली बेस बेस्ड ऑन फर्मेंटेशंस। ठीक है, ये फर्मेंटेशंस के ऊपर बेस है। सो व्हाट इज द फर्मेंटेशंस, ये भी एक बात है। सो आप लोग सभी लोगों को मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखना है व्हाट इज द फर्मेंटेशंस। ठीक है, सो दिस ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी इज अ प्राइमरी बेस ऑन द फर्मेंटेशंस। मतलब चलो हम इडली के लिए हम लेते हैं, वो डफ जो रहता है इडली का वो हम एक रात के लिए रख देते हैं, वहाँ पे क्या होता है फर्मेंटेशन होता है, उसमें जो कुछ भी बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया उसमें वर्क करते हैं, दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। वंस अगेन, सो वी आर यूजिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी आर यूजिंग द बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, वी आर यूजिंग द सम एंजाइम्स, और इन सभी का यूज करके हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एंड दैट प्रोडक्ट इज अ यूजफुल फॉर अवर ह्यूमन बीइंग, और दिस इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। सो ट्रेडिशनल मेथड में और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में आप एग्जाम्पल कौन कौन से लेंगे, जैसे मेकिंग अप कर्ड है कि नहीं, मक्खन बनाना हो या फिर वो जैसे घी बनाना, ठीक है, आप उसमें इडली भी लिख सकते हो, आप उसमें डोसा भी लिख सकते हो। सो दिस वाज शुरुआत के दिन में दिस वाज द आर्ट ऑफ द किचन, बट सम वर्कर्स कम्स दे स्टडी ऑन दिस प्रोसेस, दे स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ाई करके उन्होंने बता दिया कि दिस इज अ बायोटेक्नोलॉजी। सो दिस ऑल इंक्लूड्स इन अ ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी।
उसके बाद कौन सा आता है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो इन तो ये अब ड्यूरिंग 1917 मतलब 1917 के दौरान क्या हो रहा था, देर वॉज अ डेवलप अ न्यू आरडीएनए टेक्नोलॉजी, डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी विच वन दैट इज द आरडीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी। एक मैं नाम आपको बता देता हूं, दैट इज पॉल बर्ग, एक नाम आप ध्यान में रखना, पॉल बर्ग, ठीक है। इसने फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाया था, पॉल्स बर्ग ने, ही गिव्स द फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो 1917 ड्यूरिंग दिस टाइम दिस टेक्निक वॉज डेवलप, एंड 1973 जब 1973 आए तो 1973 में, मैं दो नाम यहां पे लिख रहा हूं, वन इज द स्टेनली कोहेन, एंड सेकेंड नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस नेम इज हर्बर्ट बोयर, दिस टू इस्टैब्लिश आर डी ए टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी को इस्टैब्लिश किया, किसने, स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर 1973 में, ठीक है। दिस टू मैन्स इस्टैब्लिश दैट आरडीएनए टेक्नोलॉजी। सो व्हाट वाज दैट आरडीएनए टेक्नोलॉजी, सो हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल्स पढ़ने वाले ही है इस लेसन में, ठीक है। बट दिस टेक्नोलॉजी डील्स विथ अ चेंज और मॉडिफाइड, क्या चेंज किया करते थे, मॉडिफाई किए थे, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो जो हेरिटेबल है कि नहीं, दैट हेरिटेबल मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, उससे ये क्या होता था, डी होता था दिस आरडीएनए टेक्नोलॉजी, और आगे जाके यही एज अ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हुई, इसी को हम कहेंगे आगे जाके दिस इज नाउ मॉडर्न बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है। यही मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एज अ सामने आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप्स का बनेगा, एक ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी विच इज प्राइम ओल्ड वन विच इज अ प्राइमरी बेस ऑन द फर्मेंटेशंस, एंड द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी विच डील्स विद द चेंज और मॉडिफाई द जेनेटिक मटेरियल और इनहेरिटेबल मटेरियल जिसको हम कहते हैं आप दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से ट्रेडिशनल और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बनी, ठीक है। सो फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, अभी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम तो बात नहीं करने वाले, वी आर टॉकिंग आर टोटली फोकसिंग ऑन द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द
टू कोर टेक्नोलॉजीज, ऐसे दो टेक्नोलॉजीज के ऊपर वो बेस है। वो कौन से जैसे यहां पे मैं लिख लेता हूं, दिस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज बेस ऑन टू टेक्नोलॉजीज। वन इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा आता है केमिकल इंजीनियरिंग। एक कौन सा आता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा आता है केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इन दो कोर टेक्निक्स के ऊपर ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है ये बेस है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग माने क्या और केमिकल इंजीनियरिंग माने क्या? सो ऑब्वियसली जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ बेस ऑन द मैनिपुलेशंस विद अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कौन से? डीएनए आरएनए, उसको मैनिपुलेट करना अकॉर्डिंग टू द सेट क्राइटेरिया। हमें जैसे लगता है उस हिसाब से किसी ऑर्गेनिजम्स का डीएनए निकालना, किसी ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल निकालना, दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको डालना, उसके फिर उसके मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करना, ये सभी चीजें किस में आती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में आती है। समझ में आ रहा है? सो दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑब्वियसली डील्स विद द अल्टरनेशंस ऑफ केमिस्ट्री इन डीएनए एंड आरएनए। अल्टरनेशन ऑफ केमिस्ट्री किसका? डीएनए एंड आरएनए। समझ में आ रहा है? मतलब जो कुछ भी केमिस्ट्री है किसकी? जेनेटिक मटेरियल की, डीएनए और उसकी आरएनए, उसमें अल्टरनेशंस लाना, उसको मैनिपुलेशंस करना, वो सभी आएगा किसमें? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इसी को हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली ये हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है, या फिर सॉरी किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल है उनके साथ ये डील्स हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब केमिकल में क्या आएगा? केमिकल इंजीनियरिंग में, तो केमिकल इंजीनियरिंग में क्या आएगा? इसमें आएगा कि एक एनवायरमेंट को क्या करना? मेंटेन करना, टू मेंटेन द स्टराइल एनवायरमेंट। एक ऐसा स्टराइल एनवायरमेंट मेंटेन करना किसके लिए? टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स सच एज द एंटीबॉडी, सच एज द वैक्सीन। ये सभी चीजें बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूरी है, उनका ग्रोथ जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको? तो उनका ग्रोथ हो अच्छी तरह से, उनके लिए जो कुछ भी स्टराइल एनवायरमेंट रहेगा वो स्टराइल एनवायरमेंट मेंटेन करना वो किस में आता है? केमिकल इंजीनियरिंग में आता है। सो केमिकल इंजीनियरिंग ऑब्वियसली मेंटेनेंस ऑफ द स्टराइल एनवायरमेंट फॉर, यहां पे मैं लिख लेता हूं, मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल एनवायरमेंटल फॉर मैन्युफैक्चर। क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए? मैन्युफैक्चर्स द वेराइटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर्स ऑफ वेराइटी आप यूजफुल प्रोडक्ट। अब ये यूजफुल प्रोडक्ट कौन से है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं तो जैसे कि एंटीबॉडीज, ठीक है,
या फिर हम कहेंगे वैक्सीन, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज भी बनाना हो, एंटीबॉडीज विच वर्क्स अगेंस्ट द बैक्टीरिया, है कि नहीं, बैक्टीरिया किसी बैक्टीरिया का ग्रोथ सस्टेन करने के लिए, रोकने के लिए हम एंटीबॉडीज लेते हैं। तो एंटीबॉडीज बनते किससे? बैक्टीरिया से बनते। तो उस बैक्टीरिया को ग्रो करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक जो कुछ भी स्टराइल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन करना, इसी को हम कहेंगे केमिकल इंजीनियरिंग। ओके, सो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ठीक। तो जेनेटिक इंजीनियर के डिफिनेशंस और उसमें लगने वाले जो कुछ भी बायोलॉजिकल टूल्स है, अदर टूल्स है, वो मैकेनिज्म किस तरह से है, वो सभी हम डिटेल्स में पढ़ने वाले, ठीक। सो गाइज कीप वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।